मेरे दो प्यारे बच्चों की जवान मॉम है। मेरे बच्चों अब तुम्हारा सोने का समय है, पर मेरी गोल्ड बेबी को कुछ पसंद नहीं आ रहा। क्या हुआ बेबी, तुम्हें सिल्वर बैंड पसंद नहीं आया? Yes. मुझे पता था तुम्हें शायद ये गोल्ड बैंड पसंद आएगा। बेबी हंस रही है, उन दोनों को सोने के लिए बढ़िया जगह मिल गई। थोड़े समय बाद लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। कॉर्ड को खोलकर धागे बनाएं। वोइला, नए बाल तैयार हैं। गोल्ड के स्टैंड्स लगाएं। कितने सुंदर हैं। गोल्ड एथलेटिक फैब्रिक से टाइट कपड़े बनाएं। ग्लोरी, ये ट्राई करो, ये बिल्कुल फिट आया है। आउटफिट को ग्लिटर वाले ट्यूल स्कर्ट से पूरा काटें। वो स्ट्रैप्स को गोल्ड राइनस्टोन से सजाती है। कितनी सुंदर है। ग्लोरी को नेचर बहुत पसंद है। ओह, अपना खुद का छोटा ग्रीन हाउस होना कितना बढ़िया है। कितनी ताजी हवा है, प्लांट्स को अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हें पानी देती हूँ। अच्छा म्यूजिक तुम्हें खुश कर देगा। म्यूजिक सुनकर फूल ज्यादा जल्दी उगते हैं। जैसे ही ग्लोरी प्लांट को छूती है, उस पर तुरंत गोल्ड फ्रूट आ जाते हैं। वाह, फ्रूट के लिए शुक्रिया। हेलो, मेरा नाम स्टेला है, मुझे सिल्वर पसंद है। स्पार्कली मेकअप लगाएं। हमने सिल्वर टेंसिल से बाल बनाए हैं। स्ट्रैंड्स को इकट्ठा करके ऊंची पोनीटेल बनाएं। स्टेला ने शानदार सिल्वर ड्रेस पहनी है। उसकी गर्दन पर प्लैनेट की शेप का पेंडेंट है। पैरों में लाइट सॉक्स हैं। ये रही हील्स। शूज को उसके आउटफिट से मैच करने के लिए पेंट करें। स्टेला अपने स्पेस थीम के आउटफिट में कितनी अलग लग रही है। ये लाली टाउन में स्टेला के पहले कॉन्सर्ट का समय है। क्लेयर उसकी परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट कर रही है। क्या आप लोग ध्यान देंगे प्लीज? अपनी पहली परफॉर्मेंस के लिए स्टेला का स्वागत करें। चलो तालियां बजाएं। वो ये बढ़िया था। मैनी, धुन बजाओ। और स्टेला गाना शुरू कर देती है। ऑडियंस को ये पसंद आया। मुबारक हो बहन, तुम्हारे गाने ने सबके होश उड़ा दिए। शुक्रिया, तुम एक दिन जरूर स्टार बनोगी। म्याओ, एक कैट पेड़ के ऊपर चढ़ गई है। यहाँ आओ, डरो मत। स्नैप, और फर ऑरेंज कलर का हो गया। पेंडेंट वाली गोल्ड चेन से अच्छा कॉलर बन जाएगा। कैट को भी चमकना पसंद है। ग्लोरी को जानवर बहुत पसंद है। वो शेल्टर जाती है और जब हो सके तब उनका ध्यान रखती है। हनी, मैं खुश हूँ कि तुम हमसे मिलने आई। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ? आज मैं एक को घर ले जाने आई हूँ। सारे जानवर कितने अच्छे हैं। मैं किसे चुनूं? ओह, मैंने इस कैट को कभी नहीं देखा। कितनी प्यारी है। साथ में खेलना चाहोगी? कितनी प्यारी छोटी किटी है। हम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। मिस, मैं इसे ले रही हूँ। बढ़िया। आह, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। अब ग्लोरी के साथ कोई खेल ले और वॉक करने वाला होगा। खाली ट्यूब को स्पार्कली रिबन से रैप करें। कैप को काटें। सीक्वेन और जंप रिंग लगाएं। स्ट्रॉज और वुडन स्क्यूअर्स के इस्तेमाल से ट्राइपॉड बनाएं। आप इस टेलीस्कोप से स्पेस के बारे में सीख सकते हैं। सिंगिंग के अलावा स्टेला को एस्ट्रोनॉमी पसंद है। आह, मिल्की वे कितना सुंदर है। वाह, पर मैं अपने टेलीस्कोप से प्लैनेट्स नहीं देख पा रही। बेबी, तुम उदास क्यों हो? मैं कुछ नहीं देख पा रही। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सरप्राइज। वाह,
ये तो एकदम नया टेलीस्कोप है। शुक्रिया मामी। देखो। चलो देखें। वाह, मैं नेपच्यून को देख सकती हूँ। और वो क्या है? ये अजीब है, एक मिस्टीरियस सी चीज जो लैंड हो रही है। मैं अभी जाकर उसे ढूंढती हूँ। ये कुछ अलग है। कट, बट, बेबी, क्या तुम स्टार बनने के लिए तैयार हो? ग्लासेस पहनो, ये कितनी स्टाइलिश लग रहे हैं। फर सिल्वर हो गया है और कान ग्लिटर से ढक गए हैं। स्पेस डॉग होशियार और प्यारा जानवर है। स्टेला एक पार्क में आती है। उम्मीद है मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। वो मिस्टीरियस चीज यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे कोई नहीं दिख रहा। डॉग गिरते समय पेड़ पर फंस गया। मैं तुम्हें बचाती हूँ बेबी। स्टेला बेंच पर कूदती है और डॉग तक पहुँच जाती है। डॉग डरा हुआ है। तुम मेरे साथ सेफ रहोगे। अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। चलो घर चले। खैर, ये वाला कैट एक फोम पेपर शीट पर चलती है। रिंग्स को जोड़ें, फ्लिपर्स बनाएं। इनके साथ तैरना काफी आसान है। ग्लोरी और कैट बीच पर आए हैं। उफ, कितनी गर्मी है। चेंज कर लेना चाहिए। खेलो बेबी। कैट चेल्स के घर बनाने की सोचती है। बहुत बढ़िया। भौंकने की आवाज से दोस्तों का ध्यान भटक जाता है। ये डॉगी किनारे से डाइव मारता है और खुशी से तैर रहा है। म्याऊ। किटी, तुम्हारे लिए तैरना मुश्किल होगा। तुम्हारे पंजे बहुत छोटे हैं। मैं कैट्स वाले खास फ्लिपर्स इसीलिए साथ लाई हूँ। इन्हें ट्राई करो। अब किटी भी तैर सकती है और मजे कर सकती है। वो डॉग की दोस्त भी बन जाती है। ये बढ़िया वेकेशन है। रिंग्स बनाने के लिए प्लास्टिक कैप को काटें। फ्रेम को साथ में जोड़ें। हमें बस लेंसेज लगाने हैं। ये बहुत स्टाइलिश एक्सेसरी है। ग्लोरी पार्क में वॉक करने के लिए आई है। रास्ते में आइसक्रीम स्टॉल के पास उसे कुछ बच्चे दिखते हैं। वाह, ऐसे ट्रिक को तो इनाम मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद देती हूँ। बच्चे उसे शुक्रिया कहते हैं, पर आइसक्रीम बहुत ठंडी है। कोई बात नहीं, मेरे पास जादुई ग्लासेस हैं जो चीजों को गर्म कर सकते हैं। वाह, ये सच है। आइसक्रीम पिघलना शुरू हो जाती है। मेरा काम हो गया। ही, बच्चे खुश हैं और ग्लोरी खुश है कि वो उन्हें इम्प्रेस कर पाए। ग्लिटरी फोम पेपर से स्लिपिंग मास्क बनाएं। सिल्वर इलास्टिक बैंड इसे सर पर टिकाए रखेगा। एक स्पार्कली बैंड लगाएं। आंखों की जगह पर स्टार्स की शेप वाले सीक्वेंस चमक रहे हैं। ये बहुत सुंदर और काम की एक्सेसरी है। अब तुम आराम से सो सकती हो। इतने बिजी दिन के बाद मुझे आराम करना चाहिए। मैं खुद को कंबल से ढक लेती हूँ और आह, मैं सो नहीं पा रही। शायद क्योंकि मैंने शाम को योगा नहीं की थी। इससे मेरी बॉडी को शांत होने में मदद मिलेगी। पर कुछ असर नहीं हुआ। मैं अपने खास स्लीपिंग मास्क को कैसे भूल सकती हूँ? अब अंधेरा हो गया। हाँ, मुझे नींद आ रही है और वो सो जाती है। डॉग को भी एक आउटफिट चाहिए। क्लियर फैब्रिक से लाइट केप बनाएं। कॉलर को इलास्टिक से टाइट करें। ये फिट हो गया। ये आउटफिट डॉग पर अच्छा लग रहा है। पट पट। ओह चारी, क्या तुम मुझे उठाने आए हो? वाह, तुम खुद तैयार हो गए। क्या बारिश हो रही है? ठीक है, तुम हर मौसम में वॉक करने के लिए तैयार हो। स्टेला और उसका डॉग लाली टाउन की सड़कों पर वॉक कर रहे हैं। यहाँ हर जगह पानी फैला है। तुम्हें ध्यान से चलना होगा। पर डॉगी को ये पसंद आया।
वो पानी में भागना और खेलना शुरू कर देता है। हे दोस्त, ये ज्यादा हो गया। अच्छा है तुमने कोट पहना हुआ है। स्टेला का मूड मौसम की वजह से खराब था, पर उसके डॉग ने उसे खुश कर दिया।